डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। एकनाथ हुआ शुरू, गांव गांव गली मोहल्ले में एक ही चर्चा, इस बार बनेगी गांव की सरकार और गांव की मुखिया। आज हम पहुंचे हैं सुरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठुकराना और उम्मीदवार साहब राम जी सहार हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो दृश्य है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम समर्थकों के साथ लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का उत्साह प्रेम जो है उनको मिल रहा है। साहब राम सहार जी ऊर्जावान, ओजस्वी और शिक्षित उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद है। साहब राम जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। साहब राम जी, जिस प्रकार आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किन विकास के मुद्दों को लेकर और इरादों को लेकर चुनाव मैदान में आपने ताल ठोकी है? मैंने कोई ताल नहीं ठोकी है। यहाँ के जो वोटर हैं उनकी मंशा थी कि हमें कोई विकास पुरुष और निस्वार्थ बंदे की यहाँ आवश्यकता है। उन सबके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैंने मंच बनाया और चुनाव मैदान में उन्होंने मेरे को उतारा है। बिल्कुल, लगातार आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या है गांव में जो आपको लोग अवगत करवा रहे हैं? बहुत सी समस्या है सर, शिक्षा को लेके हैं, चिकित्सालय को लेके हैं, जल को लेके हैं, सड़कों को लेके हैं, बहुत सी समस्या है। अगर यहाँ की जनता विश्वास दिलाती है, युवा महिलाएं और बुजुर्ग आप पे आशीर्वाद रखते हैं, तो कौन से बड़े ऐतिहासिक कार्य होंगे जो आप करेंगे? सर, अगर 3 तारीख को यहाँ के जो वोटर हैं अगर मुझे सरपंची का ताज पहनाते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए जैसे खेल ग्राउंड है, जो हमारे यहाँ पास में ऊर्जा का बहुत बड़ा ग्रह है, वहाँ पे जो रोज़गार का सबसे बड़ा संसाधन है इस एरिया का, तो वहाँ के लिए उनको प्राथमिकता और शिक्षा में और सड़कों के लिए और पानी की व्यवस्था, बहुत सारे जैसे गांव है मेरी ग्राम पंचायत ठुकराना में, फ्रीसर, रत्तासर, चाड़सर, गुसाईसर, 4 SMR और जिस चक्र में मैं अभी खड़ा हूँ पटेल नगर, इन सब में एक ठुकराना को छोड़ के यहाँ पे पानी की पाइपें जरूर डाली हुई है पर घर घर नल नहीं लगा हुआ है और एक भी घरों में पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन सबको ले देखते हुए मैं प्राथमिकता से यही काम करवाऊँगा। और जैसे पशुओं के लिए गौशाला है वो भी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ जो आवारा पशु हैं, यहाँ फसलें नष्ट कर रहे हैं, फसलें खराब कर रहे हैं और पशुओं की बहुत बड़ी बहुत दुर्दशा हो रही है, ये सब देखते हुए यही मेरे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को मैं प्राथमिकता से काम करूँगा। बिल्कुल, एक आपने बात कही कि पेयजल, जल ही जीवन है और शुद्ध पेयजल पहुँचाना ही आपका लक्ष्य है, तो इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य को किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार मोटिवेशन में दिया जाएगा? सर, जल के लिए घर घर नल लगवाऊंगा मैं, यही मेरे ऐतिहासिक कार्य रहेंगे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाऊंगा नल के द्वारा। अगर बात की जाए युवाओं की, तो खेल मैदान की आपके इलाके में क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से है? सर, मैं आज ही चाड़सर गांव में कुछ बच्चों ने आज एक आयोजन किया था और अभी चल रहा है, वहाँ पे मेरे को आमंत्रित किया था उन्होंने। बिल्कुल, तो बहुत ही दुख हुआ मेरे को वो ग्राउंड देख के, तो मेरी बहुत बड़ी मंशा है युवाओं को, युवा मेरे दिल की धड़कन है और युवाओं को मैं भविष्य में अगर यहाँ के जो वोटर हैं वो मुझे 3 तारीख को सरपंच का ताज पहनाते हैं तो युवाओं को मैं साथ लेके चलूँगा और युवाओं की जो समस्या है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे पंचायत में 6-7 गांव हैं, किसी में भी नहीं है, तो मेरे प्रयास रहेंगे प्राथमिकता से भी उन बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की व्यवस्था मैं करूँगा। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार की युवा मेरे लिए सबसे प्रिय हैं और युवाओं के लिए आगे प्रेरणा बनकर मैं रहूँगा जी, लेकिन एक बात की जाए शिक्षा की जी, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए वो उतना अधिक बढ़ता है, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी?
सर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जैसे मेरे पंचायत में 6-7 गांव हैं, उनमें से स्कूल की बिल्डिंग्स है वो भी जर्जर है। कुछ मैंने देखी है अभी बिल्डिंग है, जैसे गुसाईसर में है, चारसर में है, श्रीसर में है और रत्तासर में है और पुराना गांव में है, जैसे चार ऐसे मार, मतलब इसमें बिल्डिंगों में बुरा हाल है, कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। तो बहुत ही दुख हो रहा है ये सब देख के, और बालिकाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सबको मैं प्राथमिकता से, यही मुद्दे प्राथमिकता से लूँगा सर। बिल्कुल, साहब राम जी चाहर जी का कहना है कि मेरा लक्ष्य है चौधर करना नहीं है बल्कि सेवा करना है। कुछ समर्थक और कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क करें हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार लगातार आप फीडबैक ले रहे हो, घूम रहे हो, लोगों को वोट मांग रहे हो, किस प्रकार का उत्साह और देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, इधर साहब राम जी चाह रहे हैं, वो काफ़ी युवा है, पढ़े लिखे हैं, उनसे उम्मीद है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों का। और अपने यहाँ पे मरुस्थली एरिया है तो पानी की और लाइट की ड्रिपिंग की वो काफ़ी समस्या है, तो इधर पानी की व्यवस्था से उनको अवगत कराया। एक और मैं चीज़ नोट करना चाहूँगा, देखिए अपने राजस्थान से काफ़ी बंदे आर्मी में जाते हैं, युवा नौजवान लड़के, तो उनके लिए दौड़ने का वो ट्रैक नहीं है। तो अपने बाहर जाते हैं सूरतगढ़ वगैरह सिटी में, तो काफ़ी फीस लगती है, प्रेशर भी होती है, तो भाई साहब को अवगत कराए, बोलेंगे समस्या हल करवा देंगे अपनी, वो खेल मैदान है, युवाओं की यही तो अच्छी सोच है। बिल्कुल, ताऊजी जी थे युवा और लगातार घूमने ला रहे हो, थाने लोग क्या कहने लग रहे हैं? ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं? साहब राम चाहर ने वोट दे दिया। वाह जी वाह, इन्होंने कहा है कि साहब राम चाहर जी को हमने वोट दे दिए हैं क्योंकि ऊर्जावान है, युवा है, एक एक लक्ष्य है कि विकास करना है हमें और कुछ भी नहीं करना, ताकि इलाके में शुद्ध पेयजल पहुंच सके और शुद्ध जो है पाइपलाइन जो है वो बिछी जा सके। हमारे साथ कुछ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आप लगातार घूम रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, किस प्रकार से उत्साह मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? वोट दे से। बिल्कुल, साहब राम चाहर जी लगातार इलाके में एक गूंज उठे हैं कि इस बार वोट जो देने हैं वो साहब राम जी को वोट देने हैं। हम साहब राम जी के पास वापिस चलते हैं। सर, जिस प्रकार बात की जाए युवाओं की, बार बार आप एक बात दोहरा रहे हो कि युवा मेरे लिए सभी प्रिय हैं, और तमाम जो महिलाएं हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करनी, सड़कों की व्यवस्था करनी, चिकित्साओं की व्यवस्था करनी, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मैं चला हूं साथ में। तो बात की जाए नशे की, क्योंकि ये हमारा इलाका जो है सीमावर्ती इलाका है और यहाँ से नशे की सप्लाई होती है, अगर बात की जाए गाँव की, तो नशे को रोकने की भूमिका क्या रही है अगर जनता यहाँ की आपको जीत दर्ज कराती है? सर, ऐसा कुछ अभियान चलाएंगे हम, बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि नशा है ये बहुत ख़तरनाक है और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, बिल्कुल, और उस पर इससे क्या होता है, बच्चों बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बादी के रास्ते पे चलता है। तो इसे हम अनेक रास्ते अपनाएंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, उनसे भी बहुत सारे रास्ते हैं, संस्कारी रास्ते हैं, उनको अपनाएंगे और नशे से दूरियां करवाएंगे। बिल्कुल, अब अंतिम क्वेश्चन किया जाए आपके साथ। 3 तारीख एक महाकुंभ का एक महापिटारा जो है वो खुलने वाला है, लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तमाम इलाका वासियों को, गाँव वासियों को, और जिस पंचायत से आप ने उम्मीदवारी जताई है, तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे वोटरों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को अगर वो मुझे सरपंच जी का ताज पहनाते हैं, तो पूर्व में मैंने आपको बताया कि जो भी समस्याएं हैं, जैसे बालिकाओं की शिक्षा को लेके और युवा जो हैं उनके खेल ग्राउंड को लेके, जैसे पानी की समस्या है उनको लेके, सड़कों को लेके, जैसे गौशाला को लेके, और जैसे गलियां है, युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं को रोजगार, उनकी प्राथमिकता को लेके, तो इन सब पे मैं सहयोग करूंगा और प्राथमिकता से मैं ये कराऊंगा। और इनसे एक बार मैं पुनः अपील करता हूँ मेरे वोटरों से कि मेरा चुनाव चिन्ह पुरुष है और उस पे पुरुष के बटन दबाकर पुरुष के निशान पे और मुझे विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ साहब राम जी चाह, जिनका चुनाव निशान जो है वृक्ष है। इनका कहना है कि आप वृक्ष पे बटन दबाएं और विकास की गंगा बहाएं। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि साहब राम चाह जी जो है वो मिलनसार व्यक्ति हैं
और हर सुख दुख के कार्य में अग्रणी भूमिका भी निभाते हैं। इनका कहना है अगर यहाँ की जनता मुझे विश्वास दिलाती है और यहाँ जीत दर्ज करवाती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो क्षेत्र में दिया जाएगा और क्षेत्र में चहुमुखी विकास जो है वो किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी लेखराम भारूपाल जी के साथ विकास परिक डीपीके न्यूज़ सूरतगढ़।